हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महेश प्रजापति में। आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे एक बहुत बड़ी सीरीज चालू है इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग स्किल की, जहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के हम ग्रामर सिखाने वाले हैं, साथ साथ में आपको राइटिंग स्किल भी बताने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमने लिया है एबल टू अनएबल टू। एबल टू अनएबल टू का किस तरह सेंटेंस में यूज करना है उसकी हम आपको यहाँ पे टिप्स बताने वाले हैं, ट्रिक्स बताने, साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल भी देने वाले हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी प्ली हाँ क्विज की लिंक मिल जाएगी, जाके आप क्विज भी प्ले कर सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं आप कितना आ रहा है, आप कितना नहीं आ रहा, कितना आपने पढ़ा है। ओके, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रूल्स, जो एबल टू अनएबल टू होता है उसको किस तरह हमें यूज करना होता है, कहाँ यूज करना होता है। सबसे पहले हमें एबल टू अनएबल टू को यूज करने के लिए मैं पहले बता दूं कि जो एबल टू का यूज हम केवल पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, वो मैं अलग तरीके से बताऊंगा, लेकिन हमें एबल टू का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है और अनेबल टू का निगेटिव सेंटेंस के लिए। लेकिन हमें अनेबल टू और एबल टू का यूज निगेटिव में कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ वो रूल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर सेंटेंस में आपके कैन आता है, अगर सेंटेंस में कैन रहेगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर तीनों में से केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है और प्लस एबल टू का यूज कर देना है। एग्जाम में आपको आता है यूज बी एबल टू, बी एबल टू का मतलब ही होता है इज एम आर, बी का मतलब ही होता है इज एम आर में से लगाकर हेल्पिंग और कोई भी आप एबल टू लगा दीजिए। नहीं तो बच्चे बोलते हैं बी एबल टू तो सिखाया नहीं गया, एबल टू सिखाया गया, बी एबल टू भी वही होता है, सेम होता है। अगर कैन रहेगा तो हमें क्या लिखना है, इज एम आर लिखकर एबल टू लगा देना है, और कुड रहेगा तो पास्ट, कुड रहेगा तो हमें पास्ट हेल्पिंग और वाज वर लगा के एबल टू लगा देना है। उसी तरह अगर कैन नॉट रहेगा तो इज एम आर प्लस अनएबल टू, क्योंकि नॉट है तो अनएबल लगा देना है। एबल मीन्स क्या होता है, योग्य, अनएबल मीन्स अयोग्य। ओके, और यहाँ पे कुड नॉट रहेगा तो सेम वही वाज वेयर प्लस अनेबल टू, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसकी अगर अच्छी तरह याद है तो आप जो भी सेंटेंस में बताने वाला हूँ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कैन या कुड रहेगा, कैन रहेगा तो इज एम आर, कुड रहेगा तो वाज वेयर, अगर नॉट रहेगा तो अनेबल टू, नॉट रहे नहीं रहेगा तो एबल टू। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि किस तरह हमें एबल टू अनेबल टू का यूज करना है। तो यहाँ पे पहला हमने सेंटेंस लिया है आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एबल या अनेबल, बताइए जल्दी फटाफट। एबल यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैन दिया है, नॉट नहीं दिया है, अगर नॉट दिया होता तो हम क्या करते हैं, अनेबल भी यूज करते, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, एबल टू। क्या यूज करने वाले हैं, एबल टू, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया है, केवल कैन दिया है, तो कैन रहे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर में से जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाना है लगा सकते हैं। तो इज एम आर में से हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आई के साथ में एम लग, क्या लग गया, एम, तो आंसर हो जाएगा आई एम एबल टू टीच यू। कैन की जगह हमने क्या लिया, एम लिख दिया और क्या लगा दिया, एबल टू, आई एम एबल टू टीच यू। देखिए यहाँ पे बहुत ढेर सारे ऐसे ग्रामर्स होते हैं जहाँ पे मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए, मतलब नहीं चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे मतलब नहीं चेंज हो रहा है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपके पढ़ाने योग्य हूँ, दोनों का मतलब यही हुआ दोनों सेंटेंस का। चलिए दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे ही कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पे दूसरा वाला जो दिया है इसमें देखिए नॉट दिया, तो हम इसको दोनों लगा सकते हैं, एबल भी अनेबल भी। अगर एबल आपको लगाना है तो नॉट को एज इट इज कॉपी कर लेना जैसे दिया है, और अनेबल लगाना है तो नॉट को हटा देना है। तो चलिए हम पहले आपको अनेबल लगा के बताते हैं, देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ही इज, इज क्यों लगा, क्योंकि कैन दिया है तो इज एम आर में से इज लगा दें, क्योंकि ही के साथ में इज ही लग गया, तो ही इज अनेबल टू फ्लाई इन द स्काई। ओके, यहाँ पे हमने क्या क्या समझ में आया कि नहीं आपको, अगर ना समझ में आया तो प्लीज आप लोग ध्यान देखिए, यहाँ पे हमने कैन की जगह क्या लिखा, इज लिख दिया, और कैन नॉट था तो क्या लगा दिया, अनेबल लगा दिया। लेकिन वही अगर हम एबल लगाने जाएंगे, अगर एग्जाम में कहीं पूछ देता एबल लगाने बोल दिया, तो एबल लगाना तो आपको नॉट को कुछ नहीं करना, नॉट को एज इट इज कॉपी कर लेना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे यहाँ पे हमने किया है ही इज नॉट एबल टू फ्लाई इन द स्काई, दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही हो रहा है, मतलब वह उड़ने योग्य नहीं है, मतलब वह उड़ नहीं सकता है। ये अगर एग्जाम में आपको एबल बोलेगा तो एबल में लगाइए, अनेबल बोला तो अनेबल, की नॉट दिया है तो हम दोनों लगा सकते हैं, एबल अनेबल दोनों। तो इसका जो नेक्स्ट तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, तीसरा वाले क्वेश्चन में मैं एक ही लगा रहा हूँ, अब दूसरा आप लोग लगा के मुझे बताइएगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एबल टू लगाना है, एबल टू हम लगा रहे हैं, आप नॉट लगा देंगे, नॉट नहीं,
यूज नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ओके नॉट अब लगा दीजिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट ए, क्योंकि नॉट हमें एबल टू लगा रहे हैं तो नॉट को रहने देंगे। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल दी एक्शन। यहाँ पे जहां कांट था वहां पे क्या किया हमने, इज एम आर में से लगी, वी के साथ में क्या लगेगा आर, क्या लगेगा आर, तो वी आर नॉट एबल टू, और अनेबल लगाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी आर अनेबल टू परफॉर्म ऑल दी एक्शन। यहाँ पे हमें नॉट लगाना है। ओके एबल टू अगर लगा रहे हैं तो नॉट लगाना है, और अनेबल टू लगाए रहे हैं तो नॉट को लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे दूसरा फोर्थ वाला एग्जाम्पल है, शी कुड नॉट होल्ड मी इजिली। तो इसके लिए यहाँ पे आंसर, यहाँ पर देखिए हम अनेबल टू ही लगा रहे हैं, तो सी वाज, यहाँ पे कुड है तो क्या लगेगा, वाज वर्ब में से वाज लगेगा, बिकॉज सी अकेला है, अगर प्लूरल है तो वाज, सिंगुलर है तो वाज, और प्लूरल है तो वेयर, प्लूरल रहता है तो वेयर लगा देंगे, सिंगुलर यहाँ पे सी इज, तो क्या हो सी वाज, यहाँ पे क्या हो सी वाज अनेबल टू, अगर कुड नॉट है, कुड नॉट रहे तो अनेबल टू भी लगा सकते हैं, एबल भी, आपको दोनों लगाना चाहे तो लगा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एबल लगाएंगे तो नॉट को भी कुछ भी नहीं करना, नॉट को एज इट इज कॉपी कर लेना है, लेकिन अनेबल लगाएंगे तो नॉट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी वाज अनेबल टू होल्ड मी इजिली। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, ही कुड नॉट गो देयर, यहाँ पे देख कुड नॉट आ रहा है, ये भी सेम वैसे रहेगा, ही वाज अनेबल टू गो देयर। नेक्स्ट सिक्स वाला, सिक्स वाले में क्या लिख रहा है, शी कैन डांस बेटर, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव सेंटेंस तो हमें एबल ही लगाना है, तो सी इज क्या हो जाएगा, इज सी इज एबल टू डांस बेटर। यहाँ पे मैंने छह एग्जांपल लिए हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले आप याद करिए जो रूल्स है, रूल्स याद रखेंगे ना तो कैसा भी सेंटेंस, कितना भी बड़ा, कैसा भी घुमा फिरा क्यों सेंटेंस ना आए, आप आसानी से एबल टू को अनेबल टू को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल के लिए आप क्या करना है, जस्ट हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज की, हाँ क्विज का लिंक दिया गया है, क्विज पे जाइए और क्विज को प्ले करिए, और देखिए अपने आप को कितना आपको यह ग्रामर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अधिक ग्रामर सीखने के लिए हमारी इस वेबसाइट को जरूर विजिट करिए, जिसका नाम है theenglishgrammars.com, theenglishgrammars.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग विजिट करके इस साइट को और ढेर सारी क्विज को प्ले कर सकते हो, वहां पे ढेर सारी क्विज आपको मिल जाएगी, क्विज का अलग सेशन मैंने बनाया है, उस सेशन में जाके देखेंगे तो क्विज आपको 10-15 क्विज मिल जाएंगी, तो वो सारे क्विज अटेंड करके आप प्ले कर सकते हैं। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज कभी कभी आपको होमवर्क सजेस्ट देते हैं हम, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आप लिंक करके सेंड कर सकते हैं। और ये हमारी सब सोशल नेटवर्किंग साइट है, यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारी साइट है उस पर भी जरूर आप विजिट करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, अगर कुछ डाउट रहे तो यू कैन कमेंट कमेंट कर सकते हैं, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ग्रामर की सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।